इस स्थान दे उते एक शीशा है, वो शीशा श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं किसे सिख ने भेट कीता सी। महाराज इस शीशे दे विच तुसीं दस्तारा सजाया करो। महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहन लगे पातशाह सेवकां नूं, कहिंदे भाई रख दिओ, ये ऐसा शीशा है, कहिंदे इत्थे बिंगे चेहरियां वाले जिन्हां नूं पैरालाइज हो जांदा है, अधरंग हो जांदा है, उन्हां दे चेहरे जिहड़े है वह ठीक होया करनगे। ते अज भी ये कला वरतदी है, जिन्हां नूं ये अधरंग हो जांदा है, जिन्हां नूं पैरालाइज हो जांदा है, वह इत्थे आउंदे है तीन दिन इस शीशे दे मूहरे बैठ के अपना मुखड़ा तकदे है। इस शीशे की अहमियत है कि इस शीशे दे विच्चों धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भी अपना मुखड़ा तकिया। जदों संगत जिहड़ी है जिन्हां नूं ये अधरंग हो जांदा है, वह इत्थे आ के अपने इस शीशे दे विच्चों नाले मुख देखदे ने, नाले वाहिगुरु का सिमरन करदे ने, ते कला वरतदी है पातशाह दी, कई जिहड़े ने ओह राजी हो के जांदे ने। ते इस अस्थान की गुरु प्यारियों अहमियत है, बहुत वड्डा अस्थान है। इत्थे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपूर्णता की है। इत्थे ही धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पावन पवित्र दरबार के विच दिल्ली तो माता जी, माता सुंदर कौर जी, माता साहिब कौर जी, भाई मनीजीत सिंह जी के नाल आईया सन। तो उन्होंने आके श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज को पूछा सी कि पातशाह जी साहबजादे नहीं दिसदे, ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने यह शब्द कहे सी कि इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। आ जिहड़े साडे सामने बैठे है इन्हां पुत्रां दे उत्तों असीं अपने चार लाल कुरबान कर दिते है, फिर की होया जे चार पुत्र कुरबान हो गए, ये हजारां जिहड़े है वह जिउंदे है, ये साडे गुरु साहिबान की देन है। साध संगत जी, इस धरती नूं, इस खिते नूं, इस सारे संसार नूं, समुची मानवता नूं, जिन्हों कोई भी दुनिया की ताकत जिहड़ी है वह झुठला नहीं सकती, भुला नहीं सकती। मैं एक कह दिया संगत जी कि पंजाब की धरती जिहड़ी है ये सूरबीर योधियां की धरती है। तो प्रोफेसर पूरन सिंह ने शब्द कहे सी, पंजाब जिउंदा गुरां दे नां ते। किहड़े सूबे के हालात खराब हुंदे आ पता, उस सूबे के हालात खराब मन्ने जांदे आ जिथे दो भाईचारियां दे विचकार हिंसक दंगे हो जाण, फसाद हो जाण, आपां कह सकदे आ कि सूबे के हालात खराब हो जाए। जां हालात खराब उदों हुंदे आ जदों किसी मुद्दे नूं लैके लोगां दा सरकार दे नाल टकराव हो जाए, तो वह टकराव जिहड़ा है वह हिंसक रूप धारण कर जाए, कई मौतां हो जाण, गोलियां चल जाण, तो बहुत वड्डी गिणती दे विच जिहड़ा है वह खून बह जाए, तो फिर आपां कहिंदे आ कि सूबे दे जिहड़े हालात है वह खराब हो गए। पर पंजाब दे विच ऐसा कुछ नहीं है। ना गुरु प्यारियों इत्थे दो भाईचारियां दे विचकार कोई गड़बड़ हुई है, कोई तलवारां चलियां ने, छवियां चलियां ने, ना इत्थे जिहड़ा सरकार दे नाल टकराव दे विच कोई गोलियां चलियां ने, कोई तीर चले ने, कोई बरछे चले ने, कोई कृपाना चलियां ने, पर फिर भी पंजाब नूं जिहड़ा है वह हिंदुस्तान का गड़बड़ी वाला सूबा जिहड़ा है वह कहा जा रहा। तो जिथे फसाद होए है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होनी यह एक वक्खरा मैटर है, पर जिन्हां सूबियां दे विच हालात खराब होए ने, भाईचारियां दे दरम्यान दंगे होए ने, उन्हां नूं छड्ड के पंजाब नूं जिहड़ा है वह गड़बड़ी वाला सूबा जिहड़ा वह प्रचारिया जा रहा है।